नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे गर्मी के चलते होने वाली आम बीमारियों की, जिनमें खांसी जुकाम के साथ साथ वायरल फीवर कॉमन तकलीफ है, जिनमें हमें सावधान रहने की जरूरत है। बात वायरल बुखार की करें तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो अगर किसी को पकड़ ले तो उस व्यक्ति के लिए खाना पीना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर सकता है वायरल फीवर। आमतौर पर मौसम बदलने की वजह से ये अधिक होता है, इसलिए कुछ लोग इसे मौसमी बुखार भी कहते हैं। गर्मी का मौसम है, ये मौसम धूप, उमस और चपचपाहट से भी भरा होता है। साथ ही ये कई तरह की और भी बीमारियां लेकर आता है, जिनमें गले में इन्फेक्शन, खांसी जुकाम का होना आम बात है। तो गर्मी के मौसम में कई सीजनल बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं, और ऐसे में इस मौसम में जरा सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। आज आपका डॉक्टर में बात करेंगे इन्हीं बीमारियों से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की और उनके निदान की। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे रेवाड़ी से मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन गोयल, उनसे हम बातचीत करेंगे और इस बदलते मौसम, गर्मी के मौसम, उमस, धूप, इसके साथ साथ लू चलने की वजह से आमतौर पर जो लोगों को बीमारियां घेरती हैं उनसे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हम रख सकते हैं, गर्मी के मौसम में किस तरह से हमें खान पान का ध्यान रखना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो चीज़ हम खा पी रहे हैं वो उसका तापमान कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तासीर की भी बात होती है कि जो भी खान पान हम ले रहे हैं वो जिस तरीके से मौसम के अनुकूल होना चाहिए वो है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए। बातचीत के लिए मेरे साथ डॉक्टर पवन गोयल जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले जरा ये समझना मैं चाहूंगा आपसे कि इस मौसम में अक्सर जो बीमारियों की बात हम कर लेते हैं, आप देखिए गर्मियां भी अपने चरम पर हैं, सर्दियां जा चुकी हैं और धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते तापमान में क्या चीजें आम आदमी को परेशान कर सकती हैं? जुकाम खांसी तो आम बात है, ठंडा गर्म हो गया हो जाएगा, वायरल बुखार भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या चीजें हैं जो परेशान कर सकती हैं? देखिए, जैसे ही कोई भी मौसम बदलता है तो सबसे पहले कुछ एलर्जी की बीमारी, जैसे कि आपने बताया खांसी जुकाम और अस्थमा के अटैक सभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा जो है हीट स्ट्रोक गर्मियों में काफी होता है जी। और उसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मियां शुरू होती है तो कुछ पेट के इन्फेक्शन जैसे कि डायरिया, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, पीलिया, जैसे कि टाइफॉइड, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती हैं जी। और पानी से होने वाली बीमारियां भी काफी इस दौरान मरीजों में देखी जाती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से काफी सारे मरीजों को तकलीफ हो सकती है जी। साथ साथ स्किन की भी कुछ बीमारियां भी मरीजों को अक्सर होती है, और आमतौर पर यह देखा गया है कि इसी इन्हीं दिनों में हमारे यहाँ चिकन पॉक्स के मरीज भी काफी आने शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी बीमारियां आमतौर पर गर्मी के दिनों में शुरू होती है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में इन बीमारियों से बचने के लिए हमें जो सावधानी रखनी चाहिए वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका खास ख्याल रखे तो आदमी ज्यादातर इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है? देखिए, इसके लिए हमारे को अपने जीवन शैली, हमारे को अपने खान पान, और इसके अलावा कुछ जैसे पानी से होने वाली बीमारियां हैं तो पानी, साफ पानी का इस्तेमाल करें। खान पान में हम ये ध्यान रखें कि बचा हुआ खाना या बासा खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि गर्मी में आप जानते होंगे कि हमारा जो खाना है वो जल्दी खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू जो सर्दियों का मौसम है जी। तो गर्मी में खाना जो है वो जल्दी दूषित हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है, तो बासा रखा हुआ खाना बिल्कुल ना खाएं। जब भी धूप में निकलें, जब भी गर्मी में निकलें, तो पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें जिससे कि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो जी। और शरीर को ढककर चले जिससे कि हीट स्ट्रोक वगैरह से बचने की संभावना रहे। बहुत ज्यादा देर तक धूप में काम ना करें, एक्सरसाइज ना करें, और अगर जाना ही पड़े तो अपने शरीर को ढक के चलें। छाते का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और जहां तक टाइफॉइड, एंटेरिक फीवर या डायरिया का सवाल है तो ये सब पानी से होने वाली बीमारियां हैं, तो साफ पानी का ही इस्तेमाल करें, और अगर संभव हो तो आरओ का पानी या उबले हुए पानी का ही इस्तेमाल करें, और अगर मान लो संभव ना हो
तो सिर्फ बाहर अगर हम कहीं हो तो बोतल बंद पानी का, सुरक्षित बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करें, जिससे कि हम इन सब होने वाली बीमारियों से बच सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। इन बीमारियों से अगर अपने आप को बचाना है तो फिर इस तरीके के खान पान का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अब बुखार को लेकर थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इन दिनों में किसी को बुखार हो जाता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बुखार का जो टेम्परेचर की जब बात आती है तो 103, 4, 5 डिग्री तक पहुंच जाता है और डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कई बार ये भी होता है कि बहुत कई बार देर हो जाती है, ऐसी स्थिति में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे माहौल में क्या ध्यान रखें, किस तरीके का ट्रीटमेंट बेसिकली अपने स्तर पर कर सकते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, अगर फीवर जो है हीट स्ट्रोक की वजह से हो रहा है तो सबसे अहम जो इलाज है वो ये है कि इमीडिएटली मरीज को ठंडे पानी या नॉर्मल पानी की पट्टियां रखें और उस ठंडे पानी या नॉर्मल पानी की पट्टियां रख के टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश करें। साथ साथ हम पैरासीटामोल की गोलियां भी मरीज को दे सकते हैं अगर मरीज को पी लिया ना हो तो। जी, तो पैरासीटामोल की गोलियां और ठंडे पानी की पट्टियां, ये दोनों रखकर हम मरीज के टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं और फिर हम डॉक्टर की सेवाएं लेके और प्रॉपर तरीके से बुखार का कारण जान के उसका इलाज कर सकते हैं। रुक साहब, हीट स्ट्रोक का आपने जिक्र किया, उसकी वजह से बुखार, उसके बारे में पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या हर आदमी ये जान सकता है कि आप जो बुखार हो रहा है वो हीट स्ट्रोक की वजह से, उसके बारे में क्या कैसे लोगों को पता चले? हाँ, हीट स्ट्रोक बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बीमारी को पहचानने में, हिस्ट्री यानी मरीज अपना बताए कि किस तरह से उसको ये बीमारी हुई। तो हीट स्ट्रोक का सबसे पहला कारण होता है कि मरीज का हीट एक्सपोजर होगा, सन एक्सपोजर होगा, उसने धूप में गर्मी में बहुत ज्यादा काम किया होगा, पानी का उसने प्रॉपर सेवन नहीं किया होगा, और जब फीवर होगा तो उसके साथ बहुत तेज हेडेक होगा, उसको सरदर्द होगा, उसको उल्टी मतली की शिकायत होगी, चक्कर आएंगे, वो गिरने की संभावना रहेगी, शरीर से ऐसा लगेगा जैसे कि आग निकल रही है, और अगर टेम्परेचर 105, 106, 107 तक भी पहुंच जाता है इसमें, अगर टेम्परेचर 105, 106 तक पहुंच जाता है तो मरीज अचेत भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। तो ऐसे समय में मरीज की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको ठंडे पानी की पट्टियां रखी जाएं, और पानी जो है बर्फ का ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी जो है नॉर्मल ठंडा पानी होना चाहिए, जैसे घड़े का ठंडा पानी, क्योंकि अगर बर्फ का ठंडा पानी हम मरीज के शरीर पर रखते हैं तो उससे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जी। और कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल जब हो जाते हैं तो वो हीट लॉस बॉडी से नहीं होता है जी। तो इसलिए हमारे को नॉर्मल ठंडा पानी, जैसे कि मटके का ठंडा पानी, या अगर ताजा पानी हो तो उसमें हल्की थोड़ी बहुत बर्फ डाल के उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट बर्फ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो है हीट कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उससे प्रॉपर मात्रा में बॉडी से हीट निकल नहीं पाती है जी। रुक साहब, ये तो आपने ठंडी पट्टी जैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हीट स्ट्रोक की वजह से किसी को बुखार आ गया है तो उसको कौन से ऐसे पेय पदार्थ, हालांकि जो हम दूसरे खाने पीने की बात करें तो वो तो उस वक्त अवॉइड किया ही जाता है, लेकिन पीने की बात करें तो क्या चीज़ें उनको ड्रिंक के लिहाज से दी जा सकती हैं? देखिए, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रेशन के साथ साथ हमारे को एनर्जी और इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका ध्यान रखना होता है। तो हम पेशेंट्स को ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं। पेशेंट को हम कह सकते हैं कि जूस वगैरह ले ले। हमारे गांवों में लस्सी बहुत आराम से, लस्सी या छाछ बहुत आराम से उपलब्ध होती है, तो लस्सी में नमक, जीरा और पुदीना डाल करके हम वो ले सकते हैं, वो भी काफी फायदेमंद होती है। और आंबी का पना ये हम बना के ले सकते हैं, और लू के दिनों में प्याज भी मरीज को काफी प्रॉपर हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करती है, साथ साथ लू से भी बचाती है। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान करें तो आमतौर पर हम हीट स्ट्रोक से बच भी सकते हैं, और अगर बीमार हो भी जाए तो उससे बच भी सकते हैं, और उससे यानी गंभीर होने से भी बचाव हो सकता है। ORS पैकेट तो मार्केट में आजकल मिल जाते हैं, लेकिन अगर घर में इस तरीके का पानी तैयार किया जाए तो उसमें मात्रा का थोड़ा सा आप जानकारी दें कि क्या क्या चीजें मिक्स करके इस तरीके का घोल घर में भी बनाया जा सकता है। हाँ, उसमें हम बेसिकली एक चुटकी नमक, 2 चम्मच चीनी एक गिलास पानी में डाल के और आधा नींबू उसमें निचोड़ लें, तो वो घर का बना हुआ ORS बन तैयार हो जाता है, और वो हम सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं जी। अरुण साहब, और अगर ORS बाजार का बना हुआ लें तो एक लीटर साफ ताजा पानी में एक पैकेट पूरा डाल के उस ORS को घोल लीजिए और बार बार उसको सिप करके पीते रहिए। अरुण साहब, अब थोड़ा सा हम पानी को लेकर बात करना चाहेंगे आपसे। जो हम पानी पी रहे हैं आजकल,
हमें नहीं पता कि ये पानी साफ है, स्वच्छ है। लोग कहते हैं घर में आरओ भी लगवा दिया गया, उसके बाद भी पीने के पानी की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ये कैसे व्यक्ति जान पाएगा कि घर में हमने आरओ का भी आरओ लगवा दिया है या सप्लाई का पानी जो है वो भी बेहतर, सप्लाई की बात दावे किए जाते हैं लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उसके बाद भी लोगों को इस तरह की दिक्कतें, वोमिटिंग हो जाती है, फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी हो जाती है और भी डायरिया जैसे दिक्कतें हो जाती हैं। ये कैसे पता चले कि जो हमारा पानी बहुत साफ सुथरा पानी है? देखिए, उसके लिए जो बेस्ट और फूल प्रूफ तरीका है वो तो है कि हम पानी का कल्चर करा लें। कल्चर टेस्ट होता है पानी का, जिसमें कि हम पानी में रोग वाले बैक्टीरिया और वायरसेस की पहचान भी कर सकते हैं जी। तो सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि हम वाटर को वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में ले जाके उसका टेस्ट करा लें। और जहां तक पिछले कुछ सालों में मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पानी से होने वाली बीमारियां पिछले 10 सालों में लगातार कम हो रही हैं, तो लगातार हमारे पानी का जो हाइजीन है वो बेहतर हो रहा है, जिसमें कि म्युनिसिपल वाटर बेटर होने का भी एक रोल है, परंतु इसमें बहुत बड़ा रोल हम लगभग ओवरऑल आरओ काफी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। परंतु जब हम आरओ को यूज करते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आरओ की प्रॉपर समय समय पर सर्विस जरूर हो, क्योंकि उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, अगर उसकी प्रॉपर समय पर सर्विस ना हो तो उस मेम्ब्रेन पर ही बैक्टीरिया जम जाते हैं जो कि एक इन्फेक्शन का फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए जब भी हम आरओ यूज कर रहे हैं अपने घरों में तो हर 2-3 महीने में उसकी प्रॉपर सर्विस भी कराएं और उसको प्रॉपर सर्विस के बाद ही यूज करें जी। अगर हम उसको प्रॉपर सर्विस के बिना यूज करते हैं तो फिर वो बजाय के बचाव के वो अपने आप में एक बीमारी का कारण बन सकता है। और डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब खांसी जुकाम को लेकर भी मैं बात आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में छोटे बच्चे खासकर बहुत जिद करते हैं कि उनको ठंडी चीजें चाहिए, कुल्फी की बात करते हैं, फ्रूटी की बात करते हैं, और ज़्यादातर रेहड़ी पटरी वालों से जो माँ बाप या बच्चों के जो भी अभिभावक गण हैं वो उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड भी करा देते हैं, जबकि ऐसा ध्यान रखने का ये वक्त है, ऐसे मौसम में ध्यान रखा भी जाना चाहिए। तो ऐसे हालात में क्या करें जब खांसी जुकाम हो जाती है, या फिर उनको इन चीज़ों से दूर करने के लिए कोई रास्ते ऐसे अपनाए जा सकते हैं ताकि बच्चे जिद ना करें और वो स्वस्थ रहें? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ है पेरेंट्स का डिसिप्लिन, और दूसरी बात जो है, अगर हम साफ या सुरक्षित चीजें जो है वो ठंडी भी यूज करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब वो बर्फ है या ठंडी चीजें हैं वो दूषित पदार्थ से बनाई जाएंगी तो ही वो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगी, तो ही वो पानी से होने वाले रोग करेगी, तो ही वो खांसी जुकाम करेगी, तो ही वो डायरिया करेगी। परंतु यदि वो सुरक्षित है तो आमतौर पर स्वस्थ आदमी में वो कोई परेशानी नहीं करती है। और जहां तक खांसी जुकाम की बात है तो एकदम से बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर की चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की चीजें दोनों बहुत गर्म और बहुत ठंडी एक साथ मिक्स करके ना खाएं तो उसमें कोई खांसी जुकाम या एलर्जी की संभावना भी नहीं रहती है। एक बीमारी होती है जिसको हम वासोमोटर अस्थमा या वासोमोटर एलर्जी बोलते हैं, जिसमें की टेम्परेचर सेंसिटिव होती है वो जी। तो जिन लोगों को वो वासोमोटर एलर्जी है या वासोमोटर राइनाइटिस होती है वो बहुत ठंडे और बहुत गर्म चीजों को अवॉइड करें, बाकी लोगों में सुरक्षित है, ऐसी कोई खास बात नहीं। अब अगर मौसम की बात जैसे हम कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से ठंडे एनवायरनमेंट से हम गर्म में चले जाते हैं, गर्म से एकदम से ठंडे में आ जाते हैं, जबकि शरीर का तापमान जो होता है उस वक्त जो होता है वो अलग है, पर ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति को सरद गर्म की शिकायत भी इन दिनों में देखने को मिलती है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आदमी को हो सकती है? तो उसके लिए तो बेसिकली यही है कि हम एकदम से एक्सट्रीम जो है टेम्परेचर को अवॉइड करें, और एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाने से पहले अपने आप को कूल डाउन या थोड़ा सा वार्म अप करें और उसके बाद ही हम एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपोज करें अपने आप को, अदरवाइज तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होने हैं वो लाजमी है। अब डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक जिक्र और हम करना चाहेंगे कि जो खाना इस्तेमाल हम कर रहे हैं, आपने बासी भोजन का तो बताया कि किस तरीके से हमें इसको अवॉइड करना है, पर कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्मियों के दिनों में पाचन तंत्र पर बड़ा असर डालती हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको पचाना बहुत आसान नहीं होता, बाहर का तो खाते खाते हैं गर्मियों में, इसके अलावा घर में भी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जो शरीर को कई तरह की बीमारियों के बनने का एक कारण बन जाती हैं। तो इन दिनों में जो भोजन का इस्तेमाल करें खासकर, वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए? देखिए, जो गर्मी हो या सर्दी, उसमें जो सुरक्षित खाना है वो घर का बना हुआ ताजा खाना हो, लाइट फूड हो, बहुत तला हुआ बहुत मसाले वाला खाना ना हो,
वही आराम से सुपाच्य होता है और वही आराम से पचता है। उसके अलावा हमारे को पर्याप्त मात्रा में फल जरूर लेने चाहिए, जो कि ताजे कटे हुए फल हों, बहुत देर से कटे हुए फल ना हो, क्योंकि बहुत देर से जो कटे हुए फल होते हैं वो दूषित हो जाते हैं और वो अपने आप में बीमारी का कारण बनते हैं। तो जैसे मौसमी फल हैं, खरबूजा है, तरबूज है, ये पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी भी होता है, जो कि हमारे हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, और हाइड्रेटेड शरीर रखने की वजह से ये हमारे को गर्मी से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे भी बचाता है। तो मौसमी फल खाएं और घर का बना हुआ ताजा सुपाच्य, बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना ना हो, ऐसा खाना खाएं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। और इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा पानी जरूर सुरक्षित हो। अगर हम सुरक्षित पानी, वैसे आरओ का पानी सुरक्षित ना समझे, तो पानी को बॉईल करके हम उसको ठंडा कर सकते हैं और वो पानी पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है कि अगर पानी आरओ का नहीं है या वैसे किसी वजह से स्वच्छ नहीं है तो उसको उबाल कर ठंडा करके पी सकते हैं, वो सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होगा। और शरीर में ज़्यादातर जो मात्रा है वो पानी की है, और पानी अगर दूषित है तो फिर हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से अपने आप को घिरा हुआ पा सकते हैं। दर्शक मेरे साथ है देवेंद्र रोहतक से। देवेंद्र, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक तो सर ये बताइए, आरओ का टीडीएस कितना होना चाहिए पीने के लिए? जी। और एक जी मेरे गले में है ना, जैसे राइट साइड से कान भी दुखता है और नाड़ भी दुख है, आधा सिर भी दुखता है। जी देवेंद्र जी बने रहे, पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या, पहले तो टीडीएस के बारे में पूछ रहे हैं, दूसरा गले में भी कोई दिक्कत, गर्दन में दिक्कत है, कान में प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखिए जहां तक टीडीएस की बात है, तो नॉर्मली हम अपने पानी की टीडीएस 300-350 से ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर उससे कम टीडीएस का पानी होता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पानी में मिनरल्स की मात्रा कम है। जी। और अगर मिनरल्स की मात्रा पानी में कम होती है तो वो पानी जो है वो पेट के लिए खराब हो जाता है और उससे पेट में गैस और डिस्पेप्सिया यानी अफारे की शिकायत हो सकती है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में मिनरल्स की भी कमी हो जाती है। तो पानी का जो टीडीएस है वो 300-350 से ऊपर होना चाहिए और 700-750 से कम होना चाहिए। जी। अब जो तकलीफ बता रहे देवेंद्र, वो गर्दन में दर्द की शिकायत कर रहे हैं, कान में भी दिक्कत है थोड़ा सा, इस तरह की बात? देखिए गर्दन में दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कि हड्डियों से लेकर के और गले में इंफेक्शन तक कुछ भी हो सकता है। और जहां तक कान की संभावना है, कान में दर्द जो है, यदि उनको साथ में जुकाम भी है और कान में तकलीफ भी है, तो उनको शीघ्रातिशीघ्र किसी भी नाक कान गले वाले डॉक्टर को मिल करके उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन की संभावना काफी बढ़ जाती है गर्मी में। तो हो सकता है कि उनको कान में कोई फंगल इन्फेक्शन हो, जो कि एक कुशल ईएनटी चिकित्सक देख करके उनको बता सकता है और गाइड कर सकता है। तो उनको कान के किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और कंसल्ट करने के बाद ही इलाज लेना चाहिए। ऐसे फोन पर बिना एग्जामिनेशन के इलाज देना तो संभव नहीं होता। जी बहुत सही बात आपने की, शुक्रिया देवेंद्र जी बातचीत के लिए। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल को लेकर कहा जाता है कि कई बार लंबे समय तक ये परेशान कर देते हैं, अगर हल्का सा तासीर शरीर की ठंडी है, गर्म खा लिया या गर्म तासीर है, ठंडी चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली, और एलर्जी की शिकायत जो होती है उससे भी कई बार ये प्रॉब्लम कर देते हैं, तो इनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बार गले में लंबे समय तक दर्द, कभी इधर कभी कभी इस तरफ कभी इस तरफ, ये बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है। देखिए टॉन्सिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एलर्जी से हमारे को जिन जिन चीजों से एलर्जी होती है उनसे बचना चाहिए। जी। बहुत ठंडा बहुत गर्म अवॉइड करना चाहिए। और यदि टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल हमारे फूल जाते हैं, तो हमारे को एंटीबायोटिक का एक कोर्स लेना पड़ता है। परंतु यदि टॉन्सिल्स एक साल में 3 बार से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हमें टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना चाहिए। और अगर टॉन्सिल एक साल में 3 बार से कम होते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी हम काम चला सकते हैं। थोड़ा सा एलर्जी को लेकर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब, कि जो इन दिनों में धूल मिट्टी डस्ट की जो बात आती है, तो ये कई बार लगातार छींके आना, बहुत बार इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होने के कारण भी चीज़ें हो जाती हैं, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, खासकर गर्मी हो या फिर सर्दी की शुरुआत जब होती है तब? देखिए इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो है अपनी जीवन शैली को सुधारना। हम प्रॉपर मात्रा में एक्सरसाइज करें, अपने मन को प्रसन्न रखें, उसके अलावा ठीक से अच्छा घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं जो कि हेल्दी फूड हो, और खाने में अपने पर्याप्त मात्रा में फलों को
शामिल करें, क्योंकि फलों में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जिन चीजों से हमें एलर्जी है उन चीजों को हम अवॉइड करें, जैसे कि कुछ लोगों को हाउस डस्ट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फसलें जब कटती हैं तो उसमें जो गर्दा उड़ता है उस गर्दे से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को झाड़ू घर में निकालते हैं उससे एलर्जी होती है। तो जिन चीजों से एलर्जी हो उसको अवॉइड करें, और उसके अलावा जो है ठंडा गर्म खाने से बचें, और अगर एलर्जी की शिकायत लगातार रहती है तो किसी भी कुशल एलर्जी चिकित्सक से कंसल्ट करके अपना इलाज कराएं। बहुत आज की तारीख में एलर्जी से बचाव के हमारे पास बहुत तरह के उपाय शामिल हैं, जिसमें कि हम एक गोली भी देते हैं, और अगर पेशेंट को अस्थमा हो या वायरल या एलर्जिक राइनाइटिस हो, यानी नाक की एलर्जी हो, तो हम नाक में डालने की दवाई भी दे सकते हैं और इनहेलर भी दे सकते हैं। तो एलर्जी के हमारे पास आज के दिन बहुत अच्छे उपाय शामिल हैं। और जहां स्किन की एलर्जी की बात है, तो स्किन की एलर्जी में आमतौर पे जो एंटी एलर्जन टेबलेट होती है हमारे पास, वो आजकल बहुत सुरक्षित एंटी एलर्जन दवाइयां उपलब्ध हैं, जो कि एक कुशल चिकित्सक आपको आराम से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों तक पहुँचाई है कि गर्मी के मौसम में हमें क्या सावधानी रखनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें खाने पीने में इस्तेमाल करनी है ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और अगर हीट स्ट्रोक की वजह से बुखार हो जाता है तो फिर उसको पहचान कैसे करनी है और उसका इलाज किस तरीके से हमें लेना है, इसके लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब ने जुड़कर कुछ ऐसी जानकारियाँ दी हैं जिसके ज़रिए आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं, और गर्मी के मौसम में होने वाली जो तकलीफ़ हैं जिनमें खांसी जुकाम एलर्जी और बुखार, इनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई तकलीफ लंबे समय तक परेशान करती है तो एक बार डॉक्टर को आप ज़रूर दिखा लें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।